क्रिकेट हो या फुटबॉल, हॉकी हो या WWE, यहाँ आपको मिलेगी हर खेल की जानकारी, क्योंकि यह है स्पोर्ट की बात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल इंडिया। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आप सभी का दोस्त सूरज, लेकर आया हूं स्पोर्ट्स की बात का एक बेहतरीन एपिसोड, जहां मिलती है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें और जहां हम बात करते हैं देश दुनिया की तमाम खेल खबरों के बारे में। और आज इस सारी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खेम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों को मेरा स्पोर्ट्स क्लब के। और आज हमारे पास बहुत से खुशखबरियां हैं दोस्तों आप सभी को देने के लिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध ये कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और शेयर लाइक करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सूरज जी, बिल्कुल, जैसे अभी खेम सिंह भाई ने तो बता ही दिया है, बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी इंडियन फैंस को जो हॉकी पसंद करते हैं, क्योंकि भारत ने मलेशिया को 4-3 से हार का स्वाद चखा दिया है और एक बेहतरीन जीत हासिल कर ली है और चौथी बार इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। आगे बात करेंगे। खिम सिंह जी, क्या फील हो रहा है आपको आफ्टर डिपीट मलेशिया? देखो आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया तो बहुत अच्छा लगा, और भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा, हालांकि सूरज जी पहले हाफ में अगर देखें, पहले जो क्वार्टर में देखें, भारत ने पहले गोल किया, और जब भारत ने गोल किया तो फिर मलेशिया ने भी गोल कर दिया, और मलेशिया दूसरे हाफ तक सूरज जी बना हुआ था, और दूसरे क्वार्टर तक आप अगर उनका स्कोर देखें तो वो 3 गोल्स की जो बढ़त है वो ले चुके थे सूरज जी। और भारत जो है वो 1 गोल जो भारत ने किया था, लेकिन 3 गोल्स यहाँ पे मलेशिया के थे। और क्या वो सूरज जी 45वां मिनट, बिल्कुल सही बात है आपकी, 45वां मिनट जो भारत की इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा सूरज जी, बार बार उसकी बात होगी उस 45वें मिनट की, जहां पेनल्टी स्ट्रोक मिला भारत को और उसे भारत ने इस तरह भुनाया कि एक ही मिनट में 2-2 गोल्स भारत ने किए। हरमनप्रीत सिंह का शानदार ट्रैक फ्लिक हुआ और शानदार उनका उनके जो साथ में थे, टीम वर्क जो रहा सूरज जी पूरी टीम का, वो शानदार टीम वर्क रहा सूरज जी। और भारत फिर जब 2 गोल्स भारत ने एक ही मिनट में हासिल कर लिए तो फिर रहा 55वां मिनट आया फिर सूरज जी, आपको मालूम ही होगा आकाश दीप सिंह का वो गोल सूरज जी, कितना महत्वपूर्ण गोल जो भारत को ये मैच दिलवा गया सूरज जी। हालांकि वो पेनल्टी स्ट्रोक में नहीं लिया गया था सूरज जी वो गोल, लेकिन जो गोल था वो बहुत ही बेहतर था, और पूरा उसमें जोशो खरोश के साथ पूरा जो टीम वर्क किया भारतीय टीम ने, और आकाश दीप सिंह ने जो गोल उस लगाया, और सूरज जी फिर चांस ही नहीं दिया मलेशिया के खिलाड़ियों को वहां पे वापस। और वो जरूरी भी था, जैसे अभी आपने कहा कि पहला गोल भारत का 9वें मिनट में आया जो कि युवराज सिंह ने किया जी। और उसके बाद जो 40 सेकंड्स के अंदर 2 गोल हमारे लिए आए, पहले तो हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और हरमनप्रीत का जबरदस्त जैक फ्लिक और उन्होंने टूर्नामेंट का 9वां गोल हासिल किया। उसके बाद गुरजन सिंह ने भी यहाँ पे मौका ताड़ा और बॉल को गोल पोस्ट के पार पहुँचा दिया, और आखिरी क्वार्टर तो आप जानते हैं आकाशदीप ने बेहतरीन कमबैक किया। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि भारत जो है वो 3-1 से पिछड़ रहा था, लेकिन तीसरे क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक किया भारत ने, और बिल्कुल भारत लग नहीं रहा था कि मैच में आएगा, लेकिन कमाल कर दिया हरमनप्रीत की सेना ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया। इसे ही कहते हैं टीम वर्क, बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि मलेशिया ने भी गोल किया, तो मैं बता दूं मलेशिया की तरफ से अबू बकल जिन्होंने पहला गोल किया, जी पहला तो गुजरात सिंह ने किया, गुजराज सिंह ने किया, उसके बाद अबू बकल ने गोल किया, उसके बाद राजी रहीम ने भी गोल किया,
जी जो उनके लिए सेकंड गोल साबित हुआ सेकंड क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में ही मोहम्मद अमीनुद्दीन ने गोल किया उनके लिए, लेकिन और उस तरह से वो 3-1 से आगे हो गए। लेकिन फिर इंडिया ने, जैसे कि मैं बार बार दूसरे बोल क्वार्टर रहा में, हूँ, जी हाँ दूसरे बहुत अच्छा क्वार्टर बाउंस में बैक किया। अच्छा बाउंस तो बैक ये किया। कुछ, हाँ तो ये कुछ हॉकी की समरी रही है। और भारत ने चौथी बार यह चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, और एक बार भारत रनर अप भी रही है 2018 में, जहां उन्हें पाकिस्तान से शिकस्त खानी पड़ी थी। बिल्कुल जी एक बार भारत जो टाइप रहा है सूरजी, शायद वो 2018 में रहा है, दोनों ही टीमें उस समय शायद बारिश इतनी हो गई थी सूरजी, वो मैच हो नहीं सका था, तो शायद भारत के साथ एक साथ वो विजेता रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान ने अब चार चार दफे जो है वो गेम को अपने नाम, शायद नहीं 3 दफा शायद बिल्कुल, 3 दफा भारत पाकिस्तान और 4 दफा इंडिया ने ने। मुकाबला जीत लिया। हार्दिक सिंह जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, और सेल्वन कार्ती जो कि लोकल बॉय थे तमिलनाडु के, उनको जो है यंग प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। मतलब जी जी बिल्कुल, तो बात करते हैं फुटबॉल की। यहाँ पे बहुत सारी खबरें आप सभी के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले डोरन कप की ही बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो लगातार बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल की और मोहन बागान की। तो मोहन बागान हमारे तरफ से सबसे पहला और पुराना क्लब है। मैं बताना चाहूँगा, मोहन बागान को कल हार का सामना करना पड़ा 1-0 से ईस्ट बंगाल से। लगातार 8 मैचेस हारने के बाद ईस्ट बंगाल ने कमबैक किया और मोहन बागान को 1-0 से हरा दिया। उसके बाद एफसी गोवा और ईस्ट बंगाल यूनाइटेड जी का, हाँ जी सॉरी, मैच था। उसके बाद जी उन दोनों का जो मैच था वो दो दो की बराबरी से रहा, यानी ये जो मैच है वो ड्रॉ हुआ। और बात करें पुष्कल की, तो सॉरी पुत्सल की, तो पुत्सल ये स्पोर्ट्स है जहां भारत को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, लेकिन नहीं दोनों ये तो जी कुछ कहना चाहेंगे आप खेम जी सिंह ये तो फुटबॉल की बात रही। जी? और मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, वो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी थी, और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी और जो कि अभी मैं नाम भूल रहा हूँ सेकेंड टीम का, जिनका मुकाबला जो है वो 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ है। जी आप कुछ कह रहे थे? जी ये तो बात सूरज जी रही फुटबॉल की, अब हम क्रिकेट के विषय में कुछ बात कर लें। बिल्कुल 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 तो कल मुकाबला खेला गया यूएसए के फ्लोरिडा में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच, और जहां वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए थे सूरज जी, 20 ओवर्स पर 8 विकेट के नुकसान पे। और क्या कमबैक रहा भारतीय टीम का, क्या कमबैक रहा भारतीय बॉलर्स, हालांकि वो पिच मुझे लगी सूरज जी शायद 200 से ज्यादा स्कोर जो है वो उसमें, मुझे ऐसा लगा कि वो जो पिच थी थोड़ी सी बैटिंग पैराडाइज पिच थी, और 200 से ज्यादा का स्कोर शायद होता तो शायद मैच थोड़ा सा निर्णायक हो सकता था, इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन फिर बल्लेबाजी रही भारत की। और भारत की तरफ से सूरज जी क्या कहेंगे, जायसवाल अपना दूसरा ही मैच खेला और दूसरे ही मैच में मैन ऑफ द मैच उनको मिला, और शानदार 84 रन की सुपारी उन्होंने खेली, और 78 रन शायद शुभमन गिल ने भी बनाए सूरज जी। और बिल्कुल लेकिन ये रहा सूरज जी 165 रनों की सूरज जी पहले इनिंग्स की जो जो उनकी एक साझेदारी रही सूरज जी, ओपनिंग पार्टनरशिप जो रही वो 165 रन की रही सूरज जी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप। और 7 रन रहे तिलक वर्मा ने। और लेकिन सूरज जी एक ड्रामा आपने देखा क्या, 18वें ओवर की पहली गेंद पे जो वो लोग जीते भी, वो भी व्हाइट पे जीते हैं, व्हाइट बॉल बिल्कुल बिल्कुल पे बिल्कुल डाउन द सही बात लेग कही और आपने। वहां पे सिंगल चुराना। तो ये सब रहा क्रिकेट में, 2-2 से अभी सीरीज बराबर है, और और आज आज ही फ्लोरिडा में मैच है, जी और उसका आंखों देखा लेकिन हाल। लेकिन खेम सिंह जी कमाल कर दिया, यशस्वी, फेयरलेस जयसवाल और शुभमन स्टाइलिश गिल ने। और आज देखते हैं कि ये दोनों किस तरह से बैटिंग करते हैं। खास करके मेरी नज़र तिलक वर्मा पे होगी आज, किस तरह से जो है वो तिलक वर्मा यहाँ पे खेलते हैं। और चलिए बात मैं करते हैं एक और खबर की, जो कि
क्रिकेट में जो है वो ग्रीन कार्ड का रूल भी लागू होने वाला है। जी जी मैं जी आप जी मैं अगर ग्रीन कार्ड रूल के बारे में बताऊँ, ये स्लो ओवर रेट के चलते रूल को लगाना पड़ रहा है। आपको बताया कि जो T20 मुकाबले है वो कभी कभी 4.5 या 5 घंटे के होते हैं, लेकिन उसी चीज़ को रोकने के लिए इस रूल को लागू किया जा रहा है। कैरेबियन प्रीमियर लीग से 17 अगस्त से इसकी शुरुआत होने वाली है और तब से ही इस रूल को लागू किया जाएगा। पूरी तरह से अगर नियम की अगर हम बात करें तो मैच के 18वें ओवर में 76 मिनट तक, जी 72 मिनट तक आपके 18 ओवर पूरे होने चाहिए और 76 मिनट में आपके 19 ओवर पूरे होने चाहिए। और सॉरी, मैं अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, 76 मिनट में आपके 18th ओवर पूरे होने चाहिए और 80 मिनट में आपके 19th ओवर पूरे होने चाहिए, जी और पूरे टोटल जो आपको 85 मिनट्स मिलते हैं एक इनिंग के लिए, तो 85 मिनट्स में आपको पूरे 20 20 ओवर ओवर करना है। बिल्कुल कंप्लीट करने होंगे। अब अगर आप कहीं पीछे रहते हैं, अगर मान लो आप 18वें ओवर में अगर पीछे रहते हैं, तो आपको एक फील्डर शॉर्ट रखना पड़ेगा, यानी एक फील्डर जो है वो बाउंड्री मतलब 30 गज के दायरे के अंदर आपको रखना होगा। और आप 19वें ओवर में अगर ओवर रेट के चलते पीछे रहते हैं, तो आपको दो प्लेयर 30 गज के दायरे के अंदर रखने पड़ेंगे। और उसके बाद जी जी हाँ, अगर आप 20 ओवर तक ही पूरे मैच में अगर पीछे रहते हैं, तो आपको एक प्लेयर शॉर्ट रखना पड़ेगा, जैसे फुटबॉल में होता है ग्रीन कार्ड देखा जाता है ना। मैं इस रूल को अच्छे तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ। अगर जिस तरह से फुटबॉल का अगर रूल होता है प्लेयर को ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से प्लेयर को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन वो कैप्टन डिसाइड करेगा कि किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। तो ये कुछ खबरें थी। वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते क्या कहना चाहिए? थैंक यू। जाते जाते वही सूरज जी जो मैं कहता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स क्लब के साथ अपना प्यार दुलार इसी तरह बनाए रखें। हम हमें आपके लाइक कमेंट्स की बहुत जरूरत है, सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है, और अच्छा लगता है हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब हमें सपोर्ट करते हैं। और ज्यादा सपोर्ट तो सूरज जी हम गुंजाइश करते नहीं या मांगते भी नहीं, सिर्फ हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए, शेयर लाइक कमेंट्स चाहिए अपने वीडियोस जाते को। जाते खेम सिंह जी, मैं एक और खबर देना जी चाहूँगा। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की 2 सेमीफाइनलिस्ट जो है वो तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्पेन और स्वीडन का मुकाबला होगा मंगलवार दोपहर 1:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा ऑकलैंड में, और बुधवार दोपहर 3:30 बजे से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का जो है वो मैच खेला जाएगा। बात करूँ क्वार्टर फाइनल की, तो इंग्लैंड ने कोलंबिया को 2-1 से हराया, तथा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 7-6 से हराया है। दोनों के जो यहाँ पे 90 मिनट्स का पूरा दो हाफ होता है। मैं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की मैच की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में भी गया, वहाँ पे भी रिजल्ट नहीं आया और फिर मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में गया, उसके बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त कमबैक किया है। जी तो सर जी ये थी कुछ खबरें। और जैसे मैंने आपको डरन कप की जानकारी दी, FC गोवा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो मैच था वो 2-2 से बराबर कर रहा है, और ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का जो मैच है, मोहन बागान को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। जी